हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस के सिन्हा, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, एज वेल एज फॉर्मर रजिस्ट्रार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो आज आपके सामने एक जो पहले से मेरा एक चैनल था जिसमें ऑलरेडी ऑप्टिकल न्यूरोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी का एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ था, वर्चुअली उसी का ये एक्सटेंशन है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज़ फोटो जियोलॉजी एंड व्हाट इज़ जीआईएस। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन फोटो जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सो जीआईएस इज़ नथिंग बट ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग को डिफाइन करने के पहले मैं चाहूँगा कि आपको महाभारत का जो काल है, महाभारत जो पीरियड है, उस पीरियड में ले चलूँ। और वहाँ एक कैरेक्टर होता है संजय, और संजय को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और वो हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र का जो वार था, महाभारत वार, ये देखने की उसकी एबिलिटी थी। एंड ही रिपोर्टेड ऑल द वार इवेंट्स टू द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। So that technique was virtually remote sensing. So we can define remote sensing. So it is the technique of collecting information about an object, area or phenomenon from remote distance without being in physical contact with them. मतलब दूर से ही किसी चीज़ का information लेना, especially जो earth surface है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बड़े एरिया का, या कोई फिनोमिनल का, जैसे फ्लड है, वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड है, तो ये सब इसका इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट डिस्टेंस, ये जो कलेक्ट करने का जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। एंड दिस फोटो जियोलॉजी, दिस फोटो जियोलॉजी इज इन फैक्ट द इनिशियल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के पहले फोटो जियोलॉजी का ही टेक्निक था। एंड इन फोटो जियोलॉजी फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस वाज एक्वायर्ड ऑब्टेंड फ्रॉम एरियल कैमरास, नो डाउट वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरास। सो फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस वेर टेकन बाय एरियल कैमरास। सो दिस इज फोटो जियोलॉजी। सो फोटो जियोलॉजी इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। अभी इन दोनों टेक्नोलॉजी में, फोटो जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग में, थोड़ा सा फर्क ये है कि फोटो जियोलॉजी में वी यूज कैमरा एंड एयरक्राफ्ट इज यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सर्फेस, जबकि ये जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग में सेटेलाइट एंड सेंसर्स का यूज होता है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है। एरियल फोटो जो है, फोटो ऑफ द अर्थ, ये मैंने बताया कि इट इज ऑब्टेंड बाय एरियल कैमरास, और ये जो एरियल कैमरास हैं, दे आर माउंटेड ऑन द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट का जो ऑल्टीट्यूड है इन सेवरल किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर्स, 2 to 3 किलोमीटर, जबकि सैटेलाइट से जो पिक्चर आते हैं, इमेजरी, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। The imagery is obtained with the help of sensor, and sensor is mounted on the satellite. तो ये जो satellite का altitude है, ये about 1000 kilometer. So this is the difference. और जो remote sensing की जो technology है, इसको हम अपने human body से compare कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सामने कोई object है, उसको हम देखते हैं, तो हमारा जो आई है, ये सेंसर है, और फिर क्या होता है कि सिग्नल जो है ये पास होता है,
अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ पर एनालिसिस होता है क्या सामने का जो ऑब्जेक्ट है व्हाट इट इज, मेरे तरीके से चेयर और टेबल और बिल्डिंग और समथिंग एल्स ट्री। सिमिलरली रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में भी यही होता है कि सेंसर्स क्या करता है, सिग्नल को पहले रिसीव करता है एंड देन उसको कन्वर्ट करता है सुटेबल फॉर्म में एंड देन डेटा इज जनरेटेड समवेयर। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। बट वी मस्ट नो दैट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ऑलवेज यूज सैटेलाइट एंड सेंसर। ओके, अब हम लोग आए कि ये जो रिमोट सेंसिंग और फोटोजियोलॉजी है, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि फोटोजियोलॉजी इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी एज वेल एज रिमोट सेंसिंग। सो द हिस्ट्री इज डेफिनेटली वेरी एग्जॉस्टिव, देर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स, बट जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं कैसे कैसे हुआ वी मस्ट डिस्कस। तो जो सबसे पहला रिकॉर्डेड अर्थ का जो फोटोग्राफी है, इट वॉज फ्रॉम एयर बैलून एंड इट वॉज डन इन फ्रांस बाई जी एफ टर्नकॉन। सो इट वॉज 1855। सो दिस फोटोग्राफी ऑफ द बाई एयर बैलून, दिस वॉज कॉज और यू कैन से द फोटोग्राफी वॉज डन फॉर द सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ पेरिस सिटी। देन इन 1861 कलर फोटोग्राफी वॉज डेवलप्ड, सो इट वॉज अनदर डेवलपमेंट इन फोटोग्राफी। देन 1886 में कैप्टन डेवाइल ने एक टेक्निक डेवलप किया दैट इज कॉल्ड फोटोग्रामेट्री। और ये जो फोटोग्रामेट्री का जो टेक्निक है बाई कैप्टन डिवाइल है वो किस चीज़ के लिए था? तो ये था टोपोग्राफिक मैपिंग के लिए। और ये फोटोग्रामेट्री क्या है? तो फोटोग्रामेट्री दिस इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस फ्रॉम द एरियल फोटो। सो दिस इज measurement of horizontal and vertical distances using aerial photos। तो ये जो फोटोग्रामेट्री का जो टेक्निक था ये 1886 में इवॉल्व हुआ। इसके बाद फिर एक स्टीरियो पेयर का कंसेप्ट आया। स्टीरियो पेयर में क्या हुआ कि दो फोटोग्राफ्स कॉन्सिक्यूटिव फोटोग्राफ दे वर टेकन एट टू डिफरेंट कैमरा पोजीशंस एंड सर्टेन एरिया इट वाज ओवरलैपिंग एरिया जस्ट लाइक दिस। सपोज पोजीशन ए पोजीशन बी सो दिस इज ग्राउंड सरफेस सो दिस एरिया इज ओवरलैपिंग सो दिस इज वन फोटोग्राफ फोटो वन एंड दिस इज फोटो टू दिस इज वन दिस इज टू and this area is overlapping common in both the photographs so these two consecutive photographs are known as stereo pair so the stereo pair experiment with the stereo pair it was started in 1891 by Carl Pulfrich to isse kya fayda hai ki you can get the entire three dimensional picture of the terrain to isliye ye bhi bada important hai development 1886 ka 1891 में ये कार्ल पुल्फ्रिच का ये स्टीरियो पेयर पे। इसके बाद फिर पूरे ग्लोब में कई बहुत जगहों पे जो एरियल फोटोग्राफ्स एक्वायर किए गए, स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में पार्ट ऑफ जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स
इन सब जगहों का वैरायटी ऑफ फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज, फोटोग्राफ्स वेयर यूज्ड। इसके बाद तब आती है बात रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग का जो टेक्नोलॉजी है ये इट गिव राइज टू फोटोजियोलॉजी, जो टेक्निक ऑफ फोटोजियोलॉजी इट गिव राइज टू रिमोट सेंसिंग। तो पहले फोटोजियोलॉजी डेवलप हुआ, फोटोजियोलॉजी के बाद फिर रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी आई। और रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी जो इंफ्रारेड, कलर इंफ्रारेड, सो विद द एडवेंट ऑफ IR, इंफ्रारेड, कलर इंफ्रारेड, कलर IR एंड MSS, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग, तो इन सबों के डेवलपमेंट के बाद जो है रिमोट सेंसिंग का टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ। और ड्यूरिंग 60s and 70s ये जो डिफरेंट स्पेस ब्रोन प्रोग्राम्स था, इट वॉज डेवलप बाय नासा, US का है ये नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो दिस इज नासा। तो नासा ने एंड US वॉज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले US का जो नासा था उसने स्टार्ट किया। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, 1972 दिस ईयर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन से द लैंडमार्क इन द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। सो लॉन्चिंग ऑफ लैंडसेट, तो नासा ने सबसे पहले जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था वो लॉन्च किया एंड इट वॉज नोन एज लैंडसेट 1। लैंडसेट इज एन एब्रिविएशन, लैंड स्पेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, सो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस लैंडसेट। सो लैंडसेट 1 वॉज लॉन्च्ड इन 1972 और इसमें ये MSS मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, इट कैरीड मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, मतलब कि डिफरेंट बैंड्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिफरेंट बैंड्स है उसमें ये रिकॉर्ड कर रहा है डेटा। तो ये था। इसके बाद ठीक लैंडसेट 1 के बाद इन 1975 एंड 1978 रिस्पेक्टिवली लैंडसेट 2 एंड लैंडसेट 3 ये लॉन्च हुआ। और नो डाउट इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन था। रेजोल्यूशंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक स्पेशियल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि कितने बड़े एरिया को वो ठीक से इंटरप्रेट कर सकता है, आप ऐसे समझें। तो विथ इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन ये आपका लैंडसेट 1 के बाद लैंडसेट 2 एंड लैंडसेट 3 ये 75 एंड 78 रिस्पेक्टिवली, इसमें जो है सो इमिटेड थर्मल IR यूज होता था, तो ये हो गया। इसके बाद 1982 एंड 84 इसमें लैंडसेट 4 एंड लैंडसेट 5 ये हुआ, इसका भी जो रेजोल्यूशन था और इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन था। इसके बाद एक फ्रेंच सेटेलाइट आया 86 में, फ्रेंच सेटेलाइट स्पॉट का रेजोल्यूशन और हाई था। स्पॉट क्या है? स्पॉट ये भी एक एब्रिविएशन है, स्पॉट सिस्टमैटिक प्रोबिट्वायर डी ऑब्जर्वेशन, डी लाटेरा,
डे ला टेरा. सो दिस इज समथिंग फ्रेंच एब्रिविएशन. तो स्पॉट से ही हम लोग जानते हैं, स्पॉट ये डेवलप हुआ और स्पॉट का जो रेजोल्यूशन था, स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत हाई था, 10 मीटर रेजोल्यूशन. 10 मीटर रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि 10 मीटर बाई 10 मीटर का कोई अगर एरिया है तो उसके डिटेल्स को ये जो सेटेलाइट है और उसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है. इसके बाद सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, सो दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1988 में इंडिया ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च किया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इसरो ने फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च किया और इसको कहते हैं हम लोग IRS-1A. सो देयर आर सीरीज ऑफ सेटेलाइट्स लॉन्च बाय इसरो. जो फर्स्ट सेटेलाइट था वो है IRS-1A. IRS मींस इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट. तो ये हुआ और इसमें जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर इसको कहते हैं LIS, LIS सेंसर, लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग सिस्टम. इसके बाद फिर और भी इसके सीरीज IRS के बहुत सारे सीरीज, 91 में IRS-1 भी आया, सिमिलर सेंसर था. 95 में IRS-1C आया, 97 में IRS-1D आया और इसमें IRS-1C and 1D में तीन तरह के सेंसर्स थे, LIS-3, पैन एंड वीव्स. LIS-3 पैन, पैन मीन्स पैनक्रोमेटिक एंड दिस इज वीव्स. वीव्स मीन्स WIFS. दिस वन इज स्मॉल, सो दिस इज वाइड फील्ड सेंसर. तो ये तीन तरह के सेंसर इसमें यूज हुए. दिस वन. इसके बाद 1996-99 में IRS-P4, तो इस तरह का भी नोमेनक्लेचर है, IRS-P3-P4, ये लॉन्च हुआ थ्रू PSLV, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो इसके थ्रू ये लॉन्च हुआ IRS-P3 and P4. तो ये है. इसके बाद का और भी डेवलपमेंट है इंडिया में, सीरीज ऑफ सेटेलाइट्स हैं. तो ये तो आपका P3-P4 हो गया. P3-P4 के बाद 2003 में रिसोर्स सेट वन ये लॉन्च हुआ 2003 में और इसका भी बहुत हाई रेजोल्यूशन था. हाई रेजोल्यूशन एंड MSS मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, यानी कई बैंड्स में ये डेटा को रिकॉर्ड करता था. और ये एज द नेम एम्प्लॉइज रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स का जो ऑब्जर्वेशन है थ्रू दिस रिसोर्स सेट. इसके बाद 2005 दैट वाज कार्टोसैट वन. इसको IRS-P5 भी बोलते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड IRS बट दिस इज मोर कॉमन कार्टोसैट वन. सो कार्टोसैट वन वॉज लॉन्च इन 2005 और ये लार्ज स्केल मैपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था. लार्ज स्केल मैपिंग. इसके बाद कार्टोसैट के और दूसरे सीरीज भी आए, कार्टोसैट 2 है, इसको P7 कहते हैं, P7. कार्टोसैट 2A है, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B,
So in that way, India also progressed a lot in the remote sensing technology. And nowadays, ISRO has a constellation of satellites, remote sensing satellites. So this is all about the history of photogeology and remote sensing. Now, we must briefly discuss what are the advantages and limitations of this technology. क्या क्या है एडवांटेजेस क्या है और कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस टेक्नोलॉजी के, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो एडवांटेजेस ज़्यादा है. दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फास्ट. यू कैन ऑब्जर्व द सीन ऑफ वेरी लार्ज एरिया एंड इंटरप्रेट द डेटा. जो कन्वेंशनल जो जियोलॉजिकल मैपिंग है उसमें बहुत समय लगता है, एक्सपेंसिव भी है. शुरू में ये जो टेक्नोलॉजी है इट मे अपीयर एक्सपेंसिव, लेकिन चूँकि इसका जो है मल्टी डायमेंशनल यूजेस है, जो डेटा है इट मे बी यूज बाय जियोलॉजी पीपल, ज्योग्राफी पीपल फॉर अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर. तो डेटा जो है हर तरफ यूज हो रहा है, इसलिए अल्टीमेटली ये जो रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है या फोटो जियोलॉजी का जो डेटा है ये बहुत चीपर है. नंबर वन, फास्ट तो है ही है. जो काम आप महीना दो महीना में करते हैं उसको आप एक घंटे में कर सकते हैं. डेटा कैन बी एक्वायर्ड. दूसरी चीज़ यह है कि देर आर सम एरियाज विच आर नॉट एक्सेसिबल. तो अनएक्सेसिबल के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है रियली एक बून है. जैसे बहुत मान लीजिए डेंस फॉरेस्ट है या फिर कोई मार्सी लैंड है या समटाइम्स द एरिया इन्फेक्टेड बाई टेररिस्ट, तो उस सब जो एरिया है उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ अ बूम. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत माइक्रो डिटेल्स इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नाउडेज माइक्रो डिटेल्स भी मिल सकता है बट द डेटा इज़ नो डाउट एक्सपेंसिव. और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो फील्ड चेक है इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. तो जो भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं थ्रू दिस डेटा, फोटो जियोलॉजी के डेटा और रिमोट सेंसिंग का जो डेटा आप एक्वायर करते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन आस्पेक्ट है उसका वन ऑफ द पार्ट्स है दैट इज़ फील्ड चेक. तो इसलिए आपको उसको आप लिमिटेशंस में रख सकते हैं कि फील्ड चेक इज़ ऑलवेज देयर. तो दीज आर द टेक्नोलॉजी. जस्ट सो टुडे आई इंट्रोड्यूस जस्ट व्हाट इज फोटो जियोलॉजी, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, हाउ the photogeology and remote sensing developed in succession and what are different advantages and disadvantages. So this is the first lecture. So thank you very much.